हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल स्टूडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारी जो मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू पढ़ा था, पहला डिवीजन। अब जो हमारा आज का लेक्चर होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में, रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में और मालवा प्लेट्यू के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे की ज्योग्राफी समझने के लिए भी, प्लस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं 3 मार्कर के अंदर भी, और 5 मार्कर और 11 मार्कर्स में भी बन सकते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करा था, उससे रिलेटेड वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स होती है, वहाँ पे किस तरीके का एलिवेशन है, कितनी रेनफॉल होती है, कौन सा लोएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा था। यदि हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दिख रहा है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, जिसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद में आगे के जो फिजिकल डिविजन है उसको कंटिन्यू करें। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली बुंदेलखंड प्लेट्यू है। यहाँ पे भिंड का थोड़ा सा पार्ट, दतिया, फिर शिवपुरी का थोड़ा सा पार्ट, अशोकनगर का थोड़ा सा पार्ट, इस तरीके से पार्ट आते हैं, और इधर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू में। ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो यदि हम प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो ये ईस्ट में है ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। अभी हमने मैप में देखा कि पहले सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू पड़ता है इस रीजन में, और उसके ईस्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बुंदेलखंड प्लेट्यू दिख रहा है। यदि हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया 23733 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। अराउंड 7.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश क्या बनाता है, बुंदेलखंड बनाता है। यदि प्रीलिम्स है और आ जाता है कि बुंदेलखंड में कितना रीजन कवर होता है या कितना एरिया कवर होता है, तो यदि आपको मध्य प्रदेश का टोटल एरिया याद है जो है 308252 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप उसका 7.7% खुद निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके बहुत ईजी है। और यदि मेंस है तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, और मेंस में यदि आप अप्रॉक्स करके भी थोड़ा सा आपको याद रहता है और आप 23,500 स्क्वायर किलोमीटर और उसमें अप्रॉक्स लिख देते हैं, तो वो भी इनफ है। ओके, तो आप याद रखिए कि कितना परसेंटेज है। जैसे कि हमने सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू पढ़ा तो वो 10.68% था, और यहाँ पर हम बुंदेलखंड प्लेट्यू पढ़ते हैं तो वो कितना है, 7.7% है। अब यदि हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन आपको मेंस में याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सटेंशन यदि आप याद रखते हैं और एग्ज़ाम के अंदर उसको पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं वहाँ पे, तो इसका आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा, आपके थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आपको याद रह सकता है तो कोशिश कीजिए कि आप याद रख लें। ओके, यदि हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो 24° 60' नॉर्थ से लेकर 26° 22' तक क्या है, इसका एक्सटेंशन है इन नॉर्थ लैटिट्यूड। यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो 77° 51' से लेकर 80° 20' तक क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसका एक्सटेंशन है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, भिंड को कवर करता है। ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके की इसकी लोकेशन है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं, तो देखिए यदि आप ये वाला रीजन है, यहाँ से इसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं, और ये इस तरीके से छतरपुर पूरा कवर करता है। यहाँ पे आ जाता है निवाड़ी, जो कि 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बना है टीकमगढ़ से अलग होकर। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, इधर दतिया, भिंड का कुछ पार्ट, शिवपुरी का कुछ पार्ट, अशोकनगर का कुछ पार्ट, थोड़ा सा शिवपुरी का पार्ट, ये इस तरीके से बुंदेलखंड बनता है। ओके, कंपोजिशन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश रॉक सिस्टम हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने डिस्कस करा था वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया, हमको बुंदेलखंड नीज जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक मानी जाती है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन हमको देखने मिलता है वो ग्रेनाइट और नीज रॉक ऑफ आर्किया नीज है। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्किया नीज की जो ग्रेनाइट और नीज है उससे बना हुआ है बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये जो मैप देख रहे हैं, ये जो डार्क येलो कलर से आर्कियन को रिप्रेजेंट करा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये आर्कियन वाला पूरा पार्ट आ जाता है यहाँ पे। ओके,
यदि हम एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं तो अराउंड 300 मीटर का एलिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ये मैप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 150 से 300 के बीच का रीजन है और कुछ 300 से 450 के बीच का रीजन है। तो यदि हम एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं तो आपको बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ का जो एलिवेशन देखने मिलता है वो अराउंड 300 मीटर के आसपास का मिलता है। रेनफॉल की बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि आप ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, हंड्रेड सेंटीमीटर की, और यदि आप इसके इस तरफ जाएंगे तो आपको 100 सेंटीमीटर में प्लस में रेनफॉल मिलेगी और इस तरफ जाएंगे तो माइनस में मिलेगी। प्लस आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, रेनफॉल डिक्रीज होती जाएंगी। ओके, तो अब हमने यहाँ वाला जो रीजन था यहाँ पे हमने अराउंड 57.5 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पड़ी थी सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो हमको ये वाले रीजन में कितनी रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, 75 से 103 सेंटीमीटर देखने मिलती है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है यहाँ पे 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का और मिनिमम 9 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक का जाता है। यदि हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में ज्वार, वीट और सीसम होता है। ओके, ये जो मैप है ये मेजर क्रॉप का मैप है मध्य प्रदेश की। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पे भिंड, शिवपुरी, ये वाला भी थोड़ा पार्ट आता है और यहाँ पे क्या होता है, वीट, मस्टर्ड और जो ग्रीन वाला पार्ट है वहाँ पे वीट होता है। तो यहाँ वाला जो रीजन है बुंदेलखंड का रीजन, यहाँ पे वीट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसके अलावा ज्वार भी होती है और सीसम भी होती है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। क्रॉप की यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको एलुवियल सॉइल भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट है वो इंडो गंगेटिक प्लेन का पार्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मीडियम डीप ब्लैक सॉइल भी देखने मिलती है और मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल भी देखने के लिए मिलती है। ओके, यदि हम रिवर की बात करते हैं तो बेतवा, सिंध, केन यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है। देखिए ये वाला जो रीजन है ये मेनली ड्रेन करता है बेतवा रिवर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से निकलती है केन रिवर, तो केन रिवर का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, बेतवा केन और सिंध यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है। यदि हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स के मामले में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वो लैग कर जाता है, क्योंकि आर्कियन मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स इस पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, तो यहाँ पे मिनरल्स एज सच कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको देखने नहीं मिलते हैं। यदि हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक सिद्ध बाबा हिल है जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट है 1172 मीटर, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, 1172 मीटर हाइट है सिद्ध बाबा पीक की, जो कि बुंदेलखंड रीजन की हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे है ये, दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेट्यू है, जो हमारा नेक्स्ट रीजन है फिजिकल रीजन मध्य प्रदेश का, वो है रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू को हम विंध्यन प्लेट्यू भी बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है और बुंदेलखंड प्लेट्यू। आप ये मैप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये रीवा पन्ना प्लेट्यू आता है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू माना जाता है। ओके, इसके अंदर मेनली चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सतना, दो मिनट में आपको मैप में बता देती हूँ, ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, ये जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं ये मेनली रीवा पन्ना प्लेट्यू में ये चार ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और कुछ इधर आसपास का पार्ट आ जाता है, बट ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं ये रीवा पन्ना प्लेट्यू बनाते हैं। ओके, यदि एरिया की बात करें तो 10.36% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश रीवा पन्ना प्लेट्यू बनाता है, अराउंड 31,955 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। एक्सपेंशन की यदि हम बात करते हैं तो लेटिट्यूड का जो एक्सपेंशन है इसका वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। यदि लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 74 डिग्री 41 मिनट ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक का है।
डिस्ट्रिक्ट्स अभी हमने देखा सतना, रीवा, पन्ना, दमोह, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। एलिवेशन की बात करते हैं तो जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उससे एलिवेशन इसका ज़्यादा है, अराउंड 300 से लेकर 450 मीटर तक। ठीक है, ये देखिए वाला जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको येलो येलो कलर के अंदर दिख रहा होगा, अराउंड 300 से लेकर 450 मीटर्स तक का मैक्सिमम पार्ट है, तो मैक्सिमम इसका एवरेज एलिवेशन इसी रेंज के अंदर आता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के बारे में। पन्ना जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मिलता है, एकमात्र जहाँ पे माइनिंग होती है डायमंड की, वो यहीं पे है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट यहीं पर आता है। यदि हम रॉक की बात करते हैं तो रॉक सिस्टम यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यूरेबल स्टोन्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर विंध्यन और कड़प्पा रॉक सिस्टम आपको देखने मिलता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। हमने तीन फिजिकल डिविजन्स पढ़ लिए। तीन फिजिकल डिविजन्स के अंदर हमने ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे कौन सा देखा था, विंध्यन देखा था, कड़प्पा देखा था और एलुवियल डिपॉजिट देखा था। फिर यहाँ पे हमने देखा ग्रेनाइट और नीस, आर्कियन नीस देखा। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वापस हमको क्या देखने के लिए मिलता है, विंध्यन और कड़प्पा रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विंध्यन और कड़प्पा रॉक सिस्टम, क्योंकि काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्सेस हमको यहाँ से मिलते हैं। डायमंड इसी रीजन में आपको मिलता है। यदि आपने रॉक सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये कंपोजिशन समझना बहुत इजी हो जाएगा। प्लस तब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तो वो भी समझना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल मिलती है। रिवर्स की बात करते हैं तो टोन, सोन, केन, धासन इंपॉर्टेंट रिवर है। यदि हम इस मैप में देखें तो ये सोन रिवर है। ओके, ये इधर से टोन्स रिवर जाती है, इम्पॉर्टेंट रिवर है, और केन रिवर इस तरफ से जाती है और धासन रिवर यहाँ से जाती है। ये मैप देख रहे हैं आप, ये केन और धासन रिवर का एरिया है, ये टोन्स रिवर का एरिया है और ये सोन रिवर का एरिया है। तो ये तीनों ही रिवर इस पर्टिकुलर रीजन से बहकर निकलती है, तो ये इस रीजन की इम्पॉर्टेंट रिवर्स कहलाती हैं। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो ये बुंदेलखंड से और ज़्यादा ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे रेनफॉल और ज़्यादा बढ़ेगी, तो रेनफॉल होती है अराउंड यहाँ पे 125 सेंटीमीटर। यदि हम क्रॉप की बात करते हैं तो रेनफॉल बढ़ी तो थोड़ी पैडी क्रॉप्स भी इस रीजन में होने लगेगी, तो हम यहाँ पे वीट के अलावा राइस, टबैको, ऑयल सीड और बाजरा देखते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। आप ये मैप देख रहे हैं, ये जो बीच सा कलर है इससे रिप्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर एरिया को, और यहाँ पे क्या होती है, वीट और पैडी क्रॉप्स होती है, पैडी के अंदर राइस भी आता है, तो ये वीट और पैडी वाला रीजन है, यहाँ की मेजर क्रॉप ये है। इसके अलावा कुछ ऑयल सीड्स वगैरह भी होती है, बाजरा भी इस रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे वही जाता है लगभग जो बुंदेलखंड के अंदर जाता है, 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है यहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश पड़ता है, जो कि है चचई वाटरफॉल। ये जो चचई वाटरफॉल है ये बीहड़ रिवर पे है, और ये जो फॉल है ये कहाँ पर आता है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट वाटरफॉल हमने यहाँ पे देखा। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो सिद्ध बाबा पीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन से रीजन के अंदर है, यदि आप वो यहीं पे याद रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मालवा प्लेट्यू। ओके, मालवा प्लेट्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालवा जो प्लेट्यू है ये सबसे बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश का, अराउंड 28.62% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश मालवा प्लेट्यू में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अब हम डिस्कस करेंगे मालवा प्लेट्यू। यदि हम मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं तो एंटायर वेस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश मालवा प्लेट्यू बनाता है। मालवा प्लेट्यू हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि तब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो मालवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मालवा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। अराउंड 28.62% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, मालवा प्लेट्यू कहलाता है। ओके यदि हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 20 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 74 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक, ये आपको इसका लॉन्गिट्यूड देखने के लिए मिलेगा। ओके जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सटेंशन यदि नहीं याद है तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट यदि आप याद रख लेते हैं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि यदि आपको याद हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तब हमने रॉक सिस्टम पढ़ा था कि जो मालवा वाला रीजन है वो बेसाल्ट रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये डेक्कन ट्रैप है, ये तीनों कलर के अंदर लोअर, मिडिल और अपर। यदि आप ये पूरा रीजन देखेंगे तो ये पूरा डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। यदि हम सॉइल की बात करते हैं, बेसाल्ट रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, तो बेसाल्ट रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप से हमको क्या कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ये पूरे रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। यदि हम एलिवेशन की बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है देख रहे हैं आप इस मैप में कि इसका एलिवेशन थोड़ा सा हाई है। तो इसका जो ओवरऑल जो एलिवेशन यदि हम देखते हैं इस पर्टिकुलर रीजन का, तो वो हमको देखने के लिए मिलता है एवरेज 500 मीटर के आसपास। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीगर याद रखिएगा, सीगर यहाँ की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 881 मीटर। इसके बाद में है जाना पाव, जाना पाव से ही चंबल रिवर निकलती है, इम्पॉर्टेंट है ये 854 मीटर। इसके बाद में है छजरी जिसकी हाइट है 810 मीटर। तो सीगर, जाना पाव, छजरी ये इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं मालवा प्लेट्यू की। यदि हम रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर हो जाता है और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। 100 सेंटीमीटर की जो लाइन है उससे भी थोड़ा आगे तक जाता है मालवा प्लेट्यू, तो 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हमको इस रीजन में देखने मिलती है। यदि डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, विदिशा, सागर, भोपाल, देवास, इंदौर, सीहोर, ये सब इसी का पार्ट है। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये पूरा पार्ट आप यदि देखें तो ये पूरा पार्ट आपको मालवा प्लेट्यू में देखेगा। रतलाम, उज्जैन, मंदसौर का कुछ पार्ट, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, यहाँ पे आपको रायसेन, विदिशा, सागर, भोपाल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको क्या देखने मिलते हैं, मालवा प्लेट्यू में देखने मिलते हैं। रिवर्स की बात करें, बहुत बड़ा रीजन है तो काफ़ी सारी रिवर्स इस पर्टिकुलर रीजन से फ्लो होती हैं। यदि आपको यहाँ पे रिवर्स के नाम याद नहीं रहते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम सारी रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से रीजन से बहती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है 5 मार्कर के अंदर फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो यदि आप नाम लिखते हैं तो उसके साथ आपको उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा रफली याद रख लीजिए कि कौन सी रिवर कौन से रीजन से बहकर निकलती है। तो मालवा प्लेट्यू से निकलती है, शिप्रा, सिंध, काली सिंध, बेतवा, यहाँ की चंबल बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, पार्वती, सिंध, छोटी सिंध, पुनासा।
ओके, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो आप कोशिश करिए कि जिनके नाम याद रहे तो आप उनको याद रखें। जो उज्जैन है वो शिप्रा के बैंक पे ही है। इसके अलावा चंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है इस रीजन की, बेतवा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मिनिमम की बात करें तो 12 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर माना जाता है। क्रॉप्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन में कॉटन, सोयाबीन, ज्वार, ग्राउंडनट, मेज, पल्सेस और मिलेट्स होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो इसी रीजन में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन, कॉटन, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, तो कॉटन का प्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके अलावा ज्वार, ग्राउंडनट, मेज, पल्सेस और मिलेट्स का भी प्रोडक्शन आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए मिलता है। ओके, मध्य प्रदेश का जो फ्लरिश्ड रीजन आप बोल सकते हैं वो मालवा प्लेट्यू है, इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल भी, और जो नॉर्मल कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल, वो दोनों ही इस पर्टिकुलर रीजन में आती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तब हम इंडस्ट्रीज़ ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश हैं यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्मदा सोन वैली के बारे में, सतपुड़ा मैकल रेंज और बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में। उसके बाद में हमारा ये फिजिकल डिविजन ख़त्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।